हिंदू धार्मिकता का प्राचीन स्तंभ माना जाता है। रामायण देखी जाए, पढ़ी जाए या सुनी जाए, हर रूप में फलदायी और पुण्यकर मानी जाती है। यहाँ तक कि घर में रामायण की पुस्तक रखना भी अत्यंत लाभकारी और शुभ माना जाता है। ऐसे में आज हम आपको रामायण काल से जुड़ी उन निशानियों के बारे में और श्री राम से जुड़े ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी अभूझ है। आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा न्यूज नेशन श्रद्धा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर ले। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अयोध्या नगरी। श्री राम का जन्म सरयू नदी किनारे स्थित अयोध्या नगरी में हुआ था। वे राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। यह स्थान आज भी राम जन्मभूमि के नाम से विख्यात है। फिलहाल जन्मभूमि पर राम का भव्य मंदिर बन रहा है। रामनवमी के मौके पर लाखों की संख्या में भक्त रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में आते हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित मनार द्वीप के बीच समंदर में सड़क नुमा भूभाग बना हुआ है। इसे राम सेतु कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब राम और सीता का हरण करके लंका ले गया तब राम अपनी वानर सेना के साथ लंका के लिए निकले। रामेश्वरम तट से लंका के बीच समुद्र होने से राम की सेना के लिए पैदल मार्ग बनाया गया। इसे ही राम सेतु के नाम से जाना जाता है। लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम ने रामेश्वरम में शिव की आराधना की थी। यहाँ श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग भी मौजूद है। श्री राम की पत्नी माता सीता का जन्म जनकपुरी में हुआ था। सीता राजा जनक की बेटी थी। राम और सीता का विवाह जनकपुरी में ही हुआ था। सीता के स्वयंवर के दौरान राम ने यहीं पर धनुष भी तोड़ा था। वर्तमान में जनकपुर नेपाल में स्थित है जो कि भारतीय सीमा के महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ शहर के पास उत्तर धनुषा नाम का एक स्थान है। यहाँ पर पत्थर के टुकड़े धनुष के आवेश के रूप में मौजूद है। यहीं पर राम सीता का विवाह मंडप भी हुआ था जहां देश दुनिया से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। रामायण काल में किष्किंधा को वानर राज बाली और सुग्रीव की राजधानी बताया गया है। वर्तमान में कर्नाटक में हम्पी के आसपास की जगह किष्किंधा मानी जाती है। तुंगभद्रा नदी के किनारे बाली और सुग्रीव की गुफा भी आज भी मौजूद है। यहीं पर अंजनाद्री पर्वत भी स्थित है। कहा जाता है कि यहीं पर हनुमान का जन्म हुआ था। यहां से कुछ ही दूरी पर पंपा सरोवर भी स्थित है। वन गमन के दौरान श्री राम और लक्ष्मण यहां ठहरे थे। पंपा सरोवर के पास ही शबरी की गुफा भी मौजूद है। इनके अलावा रामायण काल की कई निशानियां अलग अलग जगहों पर आज भी मिलती है। वन गमन के दौरान श्री राम को केवाट ने गंगा पार कराई थी। ये स्थान वर्तमान में प्रयागराज के पास श्रृंगवेरपुर में माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान सबसे ज्यादा समय चित्रकूट में बिताया था। यहीं पर भरत श्री राम से मिलने आए थे। अभी ये जगह यूपी और एमपी की सीमा पर स्थित है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।